पूर्ण विराम को इंग्लिश में फुल स्टॉप बोलते हैं। फुल स्टॉप मीन्स पूर्ण विराम। अल्प विराम को इंग्लिश में कोमा बोलते हैं। कोमा मीन्स अल्प विराम। अर्ध विराम को इंग्लिश में सेमी कॉलन बोलते हैं। सेमी कॉलन मीन्स अर्ध विराम। उप विराम को इंग्लिश में कॉलन बोलते हैं। कॉलन मीन्स उप विराम। योजक चिन्ह को इंग्लिश में हाइफन बोलते हैं। हाइफन मीन्स योजक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह को इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। क्वेश्चन मार्क मीन्स प्रश्नवाचक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह को इंग्लिश में ब्रैकेट बोलते हैं। ब्रैकेट मीन्स कोष्टक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह को इंग्लिश में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन बोलते हैं। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मीन्स विस्मयादि बोधक चिन्ह। अवतरण या उदाहरण चिन्ह को इंग्लिश में इन्वर्टेड कोमा बोलते हैं। इन्वर्टेड कोमा मीन्स अवतरण या उदाहरण चिन्ह। लाघव चिन्ह या फिर संक्षेप सूचक को इंग्लिश में एब्रेविएशन साइन बोलते हैं। एब्रेविएशन साइन मीन्स लाघव चिन्ह या फिर संक्षेप सूचक। विवरण चिन्ह को इंग्लिश में साइन ऑफ फॉलोइंग बोलते हैं। साइन ऑफ फॉलोइंग मीन्स विवरण चिन्ह। निर्देशक चिन्ह को इंग्लिश में साइन ऑफ डैश बोलते हैं। साइन ऑफ डैश मीन्स निर्देशक चिन्ह। विस्मरण चिन्ह या फिर त्रुटिपूर्वक चिन्ह को इंग्लिश में ओब्लिवियन साइन बोलते हैं। ओब्लिवियन साइन मीन्स विस्मरण चिन्ह या फिर त्रुटिपूर्वक चिन्ह। और फ्रेंड्स, अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि हम प्रश्नवाचक चिन्ह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं।